Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. आप मुझे ये बताएं, आपको ईशा कैसी लगती है? आप ईशा से शादी कर लें। ईशा? ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने नहीं बुलाया था? दोबारा बाहर जाएं और परमिशन लेकर अंदर आएं। चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। जी बिल्कुल। वैसे रजिया बाजी ने तो आपकी बेटी की इतनी तारीफें की कि हमने सोचा फिर देर क्यों करें। वैसे मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश थी, जो खानदानी हो, खुश शक्ल हो और पढ़ी लिखी भी हो। बस आपको ईशा से मिलकर बहुत खुशी होगी। सुना है कि वो बहुत अच्छी जगह जॉब करती है। जी जी। ये घर आप लोगों का अपना है? जी अपना ही घर है। फिर तो तीनों के हिस्से होंगे इसमें। मेरा मतलब है कि जो माँ बाप का होता है वो बच्चों का ही तो होता है। ईशा की शादी के बाद इतने बड़े घर में आप अकेली कैसे रहेंगी? वो मेरा बेटा है ना, वो आ जाएगा। वक्ती तौर पे गया है। अच्छा, बेटी को बुलवाएं ताकि हम मिल लें उनसे। जी जी। ईशा, ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ बैठो बेटा। जी। कैसी आप, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी, वो कुछ देर पहले दरवाजे पर खड़ी मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। आप कुछ पूछ रही थी मेरी अम्मी से कि इस घर में मेरा कितना हिस्सा होगा। मैं आपको वाजे कर देना चाहती हूँ कि इस घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, और मेरी शादी के बाद मेरी अम्मी मेरे भाई के साथ उनके घर में रहेंगी। एक बात और, रजिया आंटी ने आपको ये तो बता दिया है ना कि मेरा एक निकाह हुआ था जो खत्म हो चुका है। ईशा, क्लियर होने देना बात को प्लीज। ये तो हमें इन्होंने नहीं बताया। तो पता चल गया है आपको? सॉरी, हम अपनी बेटी की शादी उस घर में हरगिज नहीं कर सकते जहाँ लड़की का निकाह पहले भी खत्म हो चुका हो। चलो अहमद, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुदा हाफिज। वैसे तुम्हें कैसे ख्याल आया इतने टाइम बाद मेरे लिए इतना अच्छा खाना लाने के लिए? याद तो हमेशा से था, बस जेब इजाजत नहीं देती थी। अच्छा, तो फिर अभी ये पैसे कहाँ से आए? आप इसकी फिक्र मत करें, वो क्या होता है, वो आप गुटलियां खाएं आम ना बेचें। वो क्या है, वो आम खाएं गुटलियां क्यों गिनें? गुटलियां बेचें मुझे बता। अच्छा, आम खाएं गुटलियां। छोड़ो ना, तुम तिक्का एंजॉय करो, तुम्हें क्या। और पैसों का इंतजाम हो गया? इंशाल्लाह, निशान दिलवाना है। तुम अपने बाप के पास क्यों नहीं जाते? उनसे कहो कि हमें हमारा हिस्सा दें, पैसे दें। बेकार, पापा कहते हैं उन्होंने ये घर दिल से बनाया है, अपनी मेहनत से। जिसको भी दे उनकी मर्जी। मतलब कि उस पूरे घर को
जायद हजम कर जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं खा जाए और डिकार भी ना मारे मुझे क्या। तो फिर जाके फाइट करो, बात करो उनसे। मेरी फाइटर तो तुम हो, तुम फाइट करो ना। ईशा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के साथ अकेली रह रही, सारा घर हड़प लेगी फिर उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है उसे छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं। जाऊंगी कल और बात करूंगी, इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बेटी को अंदर आने का नहीं कहेंगी? आ जाओ। शुक्रिया। वैसे ये घर कभी मेरा भी हुआ करता था, याद है ना आपको? सारी चाबियां हुआ करती थी इस घर की मेरे पास, जब दिल चाहा चले गए वापस आ गए, लेकिन आपने तो सारे हक ही छीन लिए मुझसे। हक की तो तुम बात ना कर, यहाँ किसी ने किसी को उसका हक दिया है? सिर्फ छीना है। ओफो अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों एक बात का पीछा पकड़ के बैठ गए हैं आप लोग? और जहां तक की बात अरसल की है, तो वो मेरे नसीब में था, मुझे मिल गया। अगर अरसल तुम्हारे नसीब में था तो तुम्हें इतनी हदें पार ना करनी पड़ती। बस कर दें अम्मी, और बंद कर दें अपने ये तंज करना। जब भी आती हूँ इस बात को लेके पीछे पड़ जाते हैं आप लोग। हमेशा किसी मतलब से ही आती हूँ। आज किस मतलब से आई? बताती हूँ, अंदर तो चलो। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा? शरीयत के मुताबिक जो भी मेरा हक बनता है वो मुझे चाहिए। जब ये घर बिकेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिल जाएगा। और ये घर कब बिकेगा? जब मैं मरूंगी तब। क्या हो गया अम्मी, फिर से वही बातें करना शुरू कर दी? अरे बेटा, ये तुम्हारी बहन घर में अपना हिस्सा मांग रही है, जवाब तो देना है ना इसे। अरसल अपना बिजनेस शुरू कर रहे, और आपको पता है आपको कितने बुरे फ्लैट में रह रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से अरसल की फैमिली ने हमें उस घर से निकाल दिया, पता है आपको? इसे क्यों बीच में ला रही हो? अरसल की फैमिली ने तुम्हें इसकी वजह से नहीं, खुद तुम्हारी वजह से निकाला है। आई थी तमीना भाभी, बता रही थी मुझे तुम क्या कुछ करती रही हो वहां। क्या क्या करती रही हूं मैं? क्या बताया उन्होंने और क्या क्या किया क्या है मैंने? बस कर दो खुदा का वास्ता, बस कर दो जूनिया। सारी गलती मेरी थी, बद जबान और काम चोर तो तुम हमेशा से थी। मैंने तुम्हें उसी वक्त टोका होता ना तो आज तुम यहाँ ना होती। कहाँ होती फिर? कहाँ होती मैं, बताएं फिर आप मुझे। आवाज नीची करो, अम्मी से तुम हरगिज इस तरह बात नहीं कर सकती। मेरे मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। और मैं तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करने दूंगी। क्यों? तुम्हारी अकेले की माँ है, मेरी भी माँ है ये। मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा की अम्मी, समझी तुम? तुमने और असद ने आखिर साबित ही कब किया कि तुम मेरी औलाद हो?
हाँ हाँ जो कुछ भी है, लेकिन आपके कह देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सोनिया तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन ये झगड़ा अभी और इसी वक्त खत्म करो। मैं देखती हूँ, आप बैठे। कितनी बदनसीब हो तुम जोनिया, एक खुदगर्ज इंसान की खातिर अपने तमाम प्यारे रिश्तों को खो दिया तुमने। मैं रूम में जा रही, कुछ चीजें रह गई थी वो ले लूं। सरप्राइज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है, आने से पहले बता देती ना। आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ऐसे अचानक आ गए दोनों, लग रहा है अच्छा नहीं लगा आपको। नहीं नहीं, मुझे क्यों आप लोगों का आना बुरा लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है ईशा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पिक करना है। क्यों, आउटिंग भी चल रहा है ना, और लंच भी करेंगे, और भाई फिर सी साइड चलेंगे, ठीक है? हाँ चले, अच्छा लगेगा। I'm sorry, अंबर, मैं नहीं जा पाऊंगी, पूरे हफ्ते में एक ही दिन मिलता है और बहुत सारे काम निपटाने हैं। ईशा ऐसे तो नहीं कहो यार, हम लेने आए हैं तुम्हें, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा जो भी काम है मैं हेल्प करवा देती हूँ, आंटी से भी मैं बात करती हूँ। अंबर मुझे बहुत काम है, आंटी से मैं बात, पूरे हफ्ते में एक ही दिन मिलता है मुझे। चले जाएं साथ यार, मजा आएगा आपको भी। देखना आंटी कुछ भी नहीं बोलेंगी। अंबर मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझे बहुत काम है सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो बेटा? इतनी वीक लग रही है आप, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तुम क्यों खड़े हो बेटा? वो अंबर मिल रही थी, मैंने कहा बाद में प्यार लेता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो जीते रहो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परेशान सी लग रही हैं आप। अरे नहीं बेटा, बस उम्र का तकाजा, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। बैठो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर। नहीं आंटी, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, हम ईशा को लेने आए हैं, आउटिंग करने जा रहे हैं। मेरा भाई सोचा ईशा को भी ले लें। आप ही कुछ समझाएं ना, ईशा को बिल्कुल नहीं मान रही, आप बोलें। अम्मी मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत काम है मुझे। अरे बेटा हर्जी क्या है, सारा वक्त ऑफिस 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 करती रहती हो, अपना तो ध्यान ही नहीं है तुम्हें। अम्मी मैंने कहा ना मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे बेटा इसको तुम जबरदस्ती लेकर जाओ अपने साथ, आसानी से नहीं मानेगी ये। अम्मी आप अकेली रह जाएंगी? अरे तो रोज कौन सा सैकड़ों लोग होते हैं मेरे पास, तुम दफ्तर जाती हो तो मैं अकेली होती हूँ। वो तो मजबूरी है ना अम्मी। ओहो ईशा तुम कितनी बहस कर रही हो, आंटी ने बोल दिया ना भाई, देखो मैं और भाई तुम्हें लिए बगैर तो जाएंगे नहीं, हम यहाँ वेट करें, जाओ रेडी हो। क्या जाओ ईशा, देर हो रही है, जाओ ना। बैठो बेटा आओ। मैं तो कंधे दबा दूंगा बस। नहीं ना आंटी ऐसे ही ठीक होगी। क्यों जहमत कर रहे हो, ये थकन तो बस अब मेरे साथ ही लगी हुई है। ये मत समझना कि तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर लेकर चली जाऊंगी, चेक कर लो सारे मेरे। तुम लेकर जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, भिकारन हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए कपड़ों की जरूरत है मुझे? मैंने सोचा कि क्या सोचा, क्या सोचा तुमने? हटो मेरे सामने से, मुझे देर हो रही है। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां, अरसल को छीनने का ताना दे रही हूं ना, कि मैंने अरसल को तुमसे छीन लिया? मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं तुमसे। अरे वो तो बेचारा तुम्हारा कभी था ही नहीं,
बल्कि मजबूरन ये रिश्ता निभा रहा था वो। अगर मैं ना आती उसकी जिंदगी में तो कोई और आ जाती। उसने तो वैसे ही तुम्हें छोड़ना था। ये मेरी खुशनसीबी थी कि उसने ऐसा सोचा था, पर तुम्हारी बदनसीबी जिसका तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। क्या? मुझसे बदला लेने के लिए जैद को इस्तेमाल कर रही हो तुम। घूमने फिरने का बहुत शौक है ना तुम्हें। आज के बाद जो उसके साथ तुम बाहर नजर आए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम फौरन इस वक्त यहां से बाहर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगे? Yes, ma'am. कहाँ रहते हैं आप? कोई भी मेरे कमरे में मुंह उठाए चला आता है? Sorry, ma'am. आइंदा मेरे कमरे में बगैर परमिशन के कोई नहीं आना चाहिए। Understand? Yes, ma'am. अब खड़े क्या मुंह देख रहे हैं आप? बाहर लेकर जाइए इन्हें। Sir, please. सुन लिया? जा रहा। क्या हुआ? धार बढ़ गई। Shut up. Mind your own business. अरे ऐसा भी क्या कह दिया जो इतना माइंड कर गया? क्यों फोन किया है? अपने शौहर को संभालो और उसे कहना कि आइंदा मुझसे कोई फजूल बात ना करे, वरना अर्शद अंकल से मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। क्यों, ऐसा क्या कह दिया उसने? मेरी मर्जी, मैं जिससे मिलूं जिससे ना मिलूं, वो मुझे रोकने वाला होता कौन है? तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहती हो? ये तो उसी से पूछना। कहो। मुझे ये कहना है कि तुम अकेले हमारे घर पे कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा और असद भाई का भी है, याद रखना। हाँ तो? अगर इनकार नहीं किया है ना तो घर बेच दो और बेच के ना हमें हमारा हिस्सा दो। अगर वो घर पे किया तो अम्मी कहाँ जाएंगी? तुम ले लेना ना कोई फ्लैट वगैरह, तुम नहीं रख सकती अम्मी को। सुनिए, क्या माँ बाप इस दिन के लिए घर बनाते हैं? कि औलाद उसका हिस्सा करके अपने माँ बाप को सड़क पर ले? कोई गुनाह नहीं कर रहे हम। अगर वो हमारा हक खाएंगी ना तो गुनाह उन्हें भी मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखरत में भी। और हाँ, बता देना उन्हें कि उनकी जिद की वजह से आज इतने बुरे फ्लैट, इतनी बुरी जगह पर रह रही हूं मैं। तुम अंदर कैसे आए? चाबियां कहां से आई तुम्हारे पास? जीशान ने एक्स्ट्रा बनवा दी थी। ईशा के पास क्यों गए थे? कुछ पूछ रही हूं कि ईशा के पास क्यों गए थे? इस तरह पूछना जरूरी है? तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?
तुम्हें जवाब दे दे, फिर मुझसे इस लहजे में बात ना करना। तो फिर क्यों जाते हो बार बार उसके पास? क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है ना? Shut up, Sonia, you crazy? तो पागल तो नहीं होगी क्या? मैं तो ना पहले मोहब्बत करता था ना अब, और मैं से मोहब्बत करता तो मैं तो छोड़ता क्यों? क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वो तो यही समझती है ना कि तुम उसे छोड़कर पछता रहे हो। तुमसे किसने कहा? बोलो, किसने कहा? फोन आया था उसका, उसने बताया कि बहाने बहाने से तुम उसके आगे पीछे घूमते हो। खुशफहमी है उसकी। जा क्यों रहे हो? मेरी बात का जवाब दे के जाओ। उसने कहा है कि अगर तुम उसके आसपास दोबारा नजर भी आए ना तो तुम्हारे बॉस से शिकायत कर देगी। ये उसका गुरूर है। वो सोचती है कि उसने मेरे सारे खानदान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, सब पर काबू कर लिया उसने। अब ये जैद ही उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? क्यों जेलिस हो रहे हो तुम? सीरियसली पागल हो गई हो तुम? ये जेलसी लग रही है तुमको? जलन, ये जलन लग रही है तुमको? अब ये फैलावा उतार कर यहाँ सजावट देना, थक गई हूँ मैं सफाई कर करके, और ये कपड़े उतार कर भी जगह पे खुद रखना। कपड़े भी नहीं धोंगी मैं, खुद धो लेना। अंबर बेटा चाय ले आओ। ये ले बाबा आपकी चाय। जज़ाकअल्लाह बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये बहुत सिंपल है। बाबा मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, तुम्हें ही बात करनी थी? कहो। वो आपको ईशा कैसी लगती है? अच्छी लगती है, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे इतना अच्छा होता ना अगर इस घर में ईशा आ जाती। ये बात तो है, माहौल बदल जाता है इस घर का। अरसल भाई की बदनसीबी। खैर छोड़ो उसे, क्या कहना चाह रही थी तुम? बोल। हाँ बाबा, मैं सोच रही थी कि अगर अरसल भाई ने ईशा को ठुकरा दिया तो क्या हुआ? हमारे जैद भाई भी तो हैं। आई मीन ईशा और जैद भाई। अरे हाँ, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं। बाबा मैं तो जैद भाई के सामने अम्मी से भी ये बात की थी, लेकिन उनको मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो तो खफा ही हो गए। तुम अम्मी को छोड़ो, ये बताओ कि जैद ने क्या कहा? मुझे तो लगता है जैद भाई को भी ईशा पसंद है, वो काफी इम्प्रेस है उनसे। लेकिन बेटा इम्प्रेस होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी शादी भी कर ले उससे। तो फिर आप ही बात करें ना जैद भाई से, आप क्यों नहीं बात करते? बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन इतना कुछ हुआ है उसके बाद वो आना चाहेगी इस घर में? जो कुछ भी हो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना बाबा, और जिनकी वजह से ये सब हुआ है वो तो अब इस घर से जा चुके हैं। घर से जाने से क्या होता है बेटा, ताल्लुक तो है ना घर से फिर भी। अच्छा आप ये सब छोड़े ना, आप एक बार जैद भाई से जरूर बात करें, फिर हम जाएंगे ईशा का हाथ मांगने। करता हूँ बात। प्लीज बाबा जल्दी करिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप इस घर में कोई दुल्हन बनकर आए तो वो सिर्फ ईशा हो, इस घर को ईशा की जरूरत है। मैं भी यही सोचता हूँ दुनिया के मामले के बाद तो मुझे और ज्यादा फिक्र है उसकी। आज ही बात करता हूँ मैं उससे। थैंक यू बाबा। एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं कहो।
ये घर बेच दे। सोनिया और असद भाई को उनका हिस्सा दे दीजिए। हम लोग किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? उससे कोई क्या कहेगा? तो ये बात कैसे आई तुम्हारे दिल में? सोनिया ने अर्शद अंकल का घर छोड़ दिया है। जानती हूँ। और अब वो एक छोटे से किराए के फ्लैट में रह रही है। तो ये उसकी अपनी गलती है ना बेटा? हर धर्मी और जिद का यही नतीजा होता है। इसने अपनी काम चोरी, ठेठाई और जिद्दीपन से उनका दिल खराब कर दिया और उन्हें से निकालना पड़ा। जो होना था वो तो हो गया अम्मी। आप ये घर बेच देंगे तो कुछ और रकम मिलाकर वो फ्लैट खरीद लेगी अपने लिए अच्छा से। माँ बाप इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर इसलिए घर बनाते कि उनकी आंखें बंद होते ही उनका घर तितर बितर हो जाए। इंसान चले जाते हैं अम्मी, घर का क्या है? ये तो मट्टी के घरे से बना हुआ है। कितनी मेहनत और लगन से तुम्हारे अब्बू ने ये घर बनाया था, उनकी रूह को कितना दुख होगा। जाने वालों को कोई खुशी कोई गम नहीं होता अम्मी। उनके पीछे क्या रह गया, क्या खत्म हो गया, कुछ नहीं समझते हो। उन्हें तो बस हमारी नेकियां, हमारी दुआओं का इंतजार रहता है हमेशा। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। सोनिया और असद भाई को बुलाइए और उनसे कह दीजिए कि आप ये घर बेच रही हैं। घर अहम नहीं होते अम्मी, रिश्ते मायने रखते। और वो रिश्ते जो आपके अपने हैं, आपसे दूर हो गए हैं, शायद इसी बहाने वो आपके दोबारा करीब आ जाए। प्यास गरम है। तुमने बनाई है? सही है, अच्छी है। एक बात करूं तुमसे? पूछ रहे हैं आप बाबा, हुक्म कीजिए। तुम भी शादी कर लो। शादी? मैं? बाबा वो अभी कुछ दिन पहले अर्शल की शादी पे इतनी परेशानी उठाई है आपने। मैं कह रहा था कि अभी रहने दे मेरी शादी की बात। अर्शल ने तो अपनी जिंदगी के लिए गलत लड़की का इंतखाब किया, उसकी वजह से परेशानियां होने। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने घर बसाने वाली समझदार लड़की ढूंढी है। मतलब ढूंढ भी ली आपने? ढूंढी क्या, वो सामने थी। शायद तुम्हारी किस्मत में लिखी। किसकी बात कर रहे हैं आप? ईशा। लेकिन बाबा वो मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं लाइक नहीं हूँ उसके। क्यों लाइक नहीं हो तुम? हाँ क्या कमी है तुम्हें? कमी नहीं है बाबा, कमियां हैं बहुत सी। नहीं
कोई कमी नहीं है तुम्हारा। बाबा ये तो आप प्यार करते हैं मुझसे, इसीलिए मेरे सामने इस तरह से कह रहे हैं, कमी तो है। बेटा ये जो बाप होता है ना, ये औलाद की जिंदगी के लिए सारी जिंदगी तगड़ो करता है कि औलाद किसी मुकाम पे पहुंच जाए। दुआ बहुत कम करता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करता हूं, क्योंकि तुम अपने घर वालों के साथ मुखलिस हो, अपने काम के साथ जिम्मेदार, प्यार करते हो, लोगों से मोहब्बत करते हो, और क्या यही काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है। नहीं, बहुत है ये सब। मैं सोच रहा हूँ कि सफीना भाभी से बात करूँ तुम्हारे लिए। बाबा पहली बात तो ये कि अम्मी इस बात पे राजी नहीं होंगी, और मुझे पूरा पूरा यकीन है इस बात का कि आप इशा से मेरे रिश्ते की बात करेंगे तो वो जवाब में कहेगी कि नहीं। क्यों कहेगी नहीं? हाँ बाबा, मैं बस एक अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप वो इशा से एक दफा उसकी मर्जी पूछ लें, बाकी आप जो हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। मैंने क्या कहना है आपके सामने, जो हुक्म आप। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अंबर से कहता हूँ कि वो ईशा की मर्जी मालूम करे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। भाई मुझे जरूरत नहीं किसी से पूछने की, अब सब छोड़ें। आप मुझे ये बताएं आपको ईशा कैसी लगती है, आप ईशा से शादी कर लें। आई थिंक शी इज परफेक्ट फॉर यू। मैं अम्मी से बात करती हूँ आपकी और ईशा की। मैं सोच रहा हूँ कि सफीना भाभी से बात करूँ तुम्हारे लिए। कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप वो ईशा से एक दफा उसकी मर्जी पूछ लें, बाकी आप जो हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। मैंने क्या कहना है आपके सामने। भाई मैं जा रही हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। आपको क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों है? भाई मान जाएगी वो। अंबर मानना ना मानना ये तो बहुत आगे की बात है ना, बस ऐसे ही डर रहा हूँ मैं कि उसे बुरा ना लग जाए। यार इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लड़कियों के तो रिश्ते आते रहते हैं, और वैसे भी आप जितना अच्छा हस्बैंड ना उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा तुम्हें लगता है नहीं? और मुझे ना हमेशा ठीक लगता है, हमेशा ठीक सोचती हूँ मैं आपके लिए। चलो देख लो यार, जैसा मुनासिब लगे, जैसा सही, बस आराम से सब हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, बाबा भी यही चाहते हैं, तो ठीक है देख लो बात कर लिए। बस आप अच्छा सोचे, देखिएगा मैं खुशखबरी लेकर आऊंगी। ओके मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, वो ऐसे ही अभी मेरे जहन में ख्याल आया कि तुम लोग अगर उससे मेरा रिश्ता पूछो और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उसने जवाब में ये कह दिया कि मुझे तो जैद से शादी नहीं करनी है, तो उस बेचारी पे प्रेशर मत डालना। हाँ जो कुछ अरसल ने उसके साथ किया है, हमारा प्रेशर डालना बनता नहीं है ना। मैं समझ सकती हूँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मैं सब, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सब बहुत अच्छा होगा। ओके हाँ, बस जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है? नहीं करेंगे भाई। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
तुम ऐसा नहीं चाहोगी तो मैं ऐसा कैसे सोच सकता। तुम्हारी शख्सियत के सामने मैं खुद को कितना कमतर पाता हूं। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारी ख्वाहिश तक कर सकूं। मैं अंदर आ जाऊं? Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम ईशा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अंबर, तुम? What a pleasant surprise. बैठो ना प्लीज। क्या बात है भाई, आज रास्ता कैसे भूल पड़ी? बस तो मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने कहा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया। क्या पियोगी, चाय कॉफी? कुछ भी नहीं ईशा, घर से नाश्ता कर आई हूं। तुम बिजी लग रही हो। हाँ बस एक मिनट। अब बोलिए ईशा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहो ना, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बुरा ना लग जाए। क्या हो गया अंबर, इससे पहले कभी बुरा मनाया है तुम्हारी किसी बात का? कहो क्या बात है ईशा। तुम्हें जैद भाई कैसे लगते हैं? इस सवाल का मतलब? ईशा, हम सब घर वाले चाहते हैं कि तुम और जैद भाई, ये सब कुछ तुमसे जैद ने कहा? नहीं ईशा, हम सब घर वालों की ख्वाहिश है, खास करके बाबा की। तुम तो जानती हो, हम लोग तो शुरू दिन से यही चाहते थे, लेकिन अरसल भाई की वजह से ना। अंबर प्लीज प्लीज, ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ और बेहतर ये होगा कि हम इस पे मजीद बात ना करें। आई एम सो सॉरी ईशा, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। देखो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारा दिल मानता है, तुम राजी हो, तो क्या हम रिश्ता लेकर आए तुम्हारे घर? सफीना आंटी से तुम्हारा हाथ मांगे? ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों ईशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बताओ, क्या जैद भाई तुम्हें अच्छे नहीं लगते? अच्छे बुरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अंबर, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने ये सब कुछ जैद से कहा है ना? बाबा ने बात की थी जैद भाई से, उन्होंने सब तुम पर छोड़ दिए। लगिया नु दिल ही जाने, लगिया नु दिल ही।